देखिए दोस्तों, पोहा बनाते समय ना एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि पोहा ना घुल जाता है, तो जिसकी वजह से टेस्ट है जो बिल्कुल बेकार आता है। तो अभी आज हम वही समस्या को लेके आए हैं, तो उसी प्रॉब्लम को आज मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। तो बताऊँगा आपको किस तरीके से पोहे को बनाएं कि वो घुले ना बिल्कुल भी, और बिल्कुल जिस तरीके से आप देख रहे हैं वीडियो में, इस तरीके से बिल्कुल खिला खिला बने। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एलएसमान किचन में। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अगर ऐसे भी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर लगभग एक कप यहाँ पर पोहे का यूज किया है। तो एक कप पोहे हैं, बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी के पोहे का यूज कीजिएगा, तो बहुत ही बढ़िया है। तो उसी के साथ यहाँ पे थोड़े से मैंने लिए हैं मखाने, और थोड़े से यहाँ पे लिए हैं रोस्टेड पीनट है ये। अगर आपके पास रोस्टेड पीनट नहीं है तो आप मतलब कच्ची मूंगफली भी ले सकते हो। और उसी के साथ यहाँ पे मैंने तीन प्याज को यहाँ पे मतलब बिल्कुल बारीक काट लिया है, और एक मीडियम साइज का टमाटर है, और दो यहाँ पे स्पाइसी वाली हरी मिर्ची है, और उसी के साथ यहाँ पे थोड़ी सी मैंने लहसुन का यूज किया है। तो इंग्रेडिएंट थोड़े से इसमें ज़्यादा डलेंगे। तो मसाले की बात करें तो यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून ही यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर का यूज किया है, और वन टी स्पून यहाँ पे डलेगा नमक। तो उसी के साथ यहाँ पे डालेंगे हम मैगी मसाला। ये सीक्रेट है, बिल्कुल मैगी मसाला डालना है। तो मैगी मसाला डालने से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आप इसका पोहे का मसाला बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। तो चलिए अभी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ऑयल डाला है कढ़ाई के अंदर। आप कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज कर सकते हो, देसी घी का भी यूज कर सकते हो। तो जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है इसमें डालना है जीरा, और अपने जो प्याज है वो ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पे प्याज को थोड़ा सा हम भूनेंगे, और प्याज को अच्छे से ऐड कर देने हैं, और प्याज को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, और थोड़ी सी देर के लिए एक या दो मिनट के लिए यहाँ पे प्याज को थोड़ा सा भून लेना है ताकि थोड़े से वो सॉफ्ट हो जाए, हल्का सा मतलब जब कलर आता है तब तक हमने यहाँ पे प्याज को भून लेना है। तो देखिए दोस्तों, प्याज बिल्कुल बढ़िया से यहाँ पे भून चुके हैं, तो हल्का सा कलर आ चुका है। तो इस टाइम पे लहसुन ऐड कर देनी है, और सारी के बाकी के भी सारे इंग्रेडिएंट हम इसमें डाल देंगे। तो थोड़ा सा इनको भून लेना है लहसुन को, ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो कच्चापन ना रहे, अच्छे से बढ़िया से पक जाए। तो एक मिनट के लिए लहसुन को भी भून लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हरी मिर्ची और टमाटर भी यहाँ पे ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पे सब्जियों को बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हल्का वो कच्चापन है ना जो सब्जियों का, वो आपके मतलब उसमें पोहे के अंदर आना चाहिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे हम, तो हल्का सा मतलब इनको रोस्ट करना है। तो देखिए दोस्तों, तो अभी इसके अंदर क्या करना है कि अभी पोहे को हम रेडी कर लेते हैं। तो पोहे को थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें पानी डालना है, और पानी डालते ही जस्ट इसको बाहर निकाल लेना है, बहुत ज़्यादा मतलब डुबो के नहीं रखना, यहीं पे गलती करते हैं सब। तो यहाँ पे अगर इसको ज़्यादा देर अगर आप पानी में डुबो के रखोगे तो क्या होगा कि पोहे आपके बिल्कुल यहाँ पे घुल जाएंगे, और टेस्ट है जो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं आएगा, टेस्ट बिल्कुल फीका फीका सा इसका रहेगा। तो इसलिए जैसे ही पानी में डालना है मतलब हैंड टू हैंड इनको बाहर निकाल लेना है, मतलब थोड़ी देर के लिए बस इनको धोना है थोड़ा सा, बस मेन यही होता है। इसी की वजह से मतलब आपके पोहे है जो बिल्कुल सॉफ्ट यहाँ पे हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इनको मतलब बाहर निकाल लेना है थोड़ी देर में। तो देखिए हमारे इंग्रेडिएंट यहाँ पे बढ़िया से भुन चुके हैं। तो अभी इसमें हमने जो पीनट्स और मखाने लिए थे वो भी ऐड कर देने हैं, ताकि वो भी थोड़े से भुन जाए। तो देखिए पीनट्स और मखाने भी ऐड कर दिए हैं, तो इनको भी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे भून लेना है, मतलब हल्का सा चलाते हुए, मतलब बहुत ज़्यादा इनको भूनने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत जल्दी भून जाते हैं, और पीनट्स हमारे वैसे भी रोस्टेड हैं तो वो जल्दी ही भून जाएंगे। तो अभी जो हमने मसाला बनाया था वो भी ऐड कर देना है, जो हमने मैगी मसाला वगैरह डाल के सब बनाया था वो भी इस टाइम पे ऐड कर देना है। तो अच्छे से थोड़ा सा मसाले को भून लेंगे एक मिनट के लिए, ताकि मसाला जो अच्छे से मतलब बढ़िया से मिक्स हो जाए इंग्रेडिएंट में। तो एक मिनट के लिए यहाँ पे मसाले को भून लेना है, तो लगातार इस तरीके से चलाते रहना है, क्योंकि अब मसाला डला हुआ है तो ये नीचे लग सकता है, तो इसलिए कढ़ाई को लगातार चलाते रहना है। तो अभी जैसे ही मसाला भून जाए तो इसमें पोहे ऐड कर देने हैं, और पोहे ऐड करने के बाद इसको बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे मिक्स कर लेना है अच्छे से,
लगातार चलाते हुए मिक्स करना है, मतलब हाथ को यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रोकना है और अच्छे से यहाँ पे इसको मिक्स कर लेना है। तो देखिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया से मिक्स हो चुका है। तो देखिए बिल्कुल भी नीचे चिपका नहीं है, बिल्कुल भी यहाँ पे पोहे हमारे गुले नहीं है, बिल्कुल खिले खिले पोहे यहाँ पे बन के रेडी हुए हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको घर पे बना के जरूर देखिएगा। इसका टेस्ट बहुत ही अल्टीमेट आता है, बहुत ही खाने में ये स्वादिष्ट लगते हैं और आज के बाद जो आपको पोहे खाने का जो मन है ना वो बहुत ज़्यादा करने लग जाएगा, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही कमाल की है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।